सजा को उम्र कैद में बदला। पत्नी और 5 बच्चों का हत्यारा था दोषी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर फैसले में देरी का हवाला देते हुए पत्नी और 5 बच्चों की हत्या के दोषी की मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया है। हालांकि शीर्ष अदालत ने साफ कर दिया है कि दोषी को अपनी बाकी जिंदगी जेल में ही बितानी होगी और जीवित रहते उसे नहीं छोड़ा जाएगा। यह मामला मध्य प्रदेश से जुड़ा है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दया याचिका को 4 साल तक रोकने को बताया वजह, जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की पीठ ने कहा कि दया याचिका मौत की सजा पाए किसी व्यक्ति के लिए जीवन की आशा की अंतिम किरण होती है। हर सुबह वह यह उम्मीद लेकर उठता है कि उसकी दया याचिका मंजूर हो सकती है। न्यायालय ने कहा कि दया याचिका पर फैसला लेने में लगभग 5 साल की देरी हुई क्योंकि राज्य सरकार के अधिकारियों ने इसे 4 साल तक गृह मंत्रालय को नहीं भेजा। जघन्य अपराध के बावजूद नहीं दी जा सकती मौत की सजा। पीठ ने कहा, जहाँ तक भारत सरकार या राष्ट्रपति सचिवालय की बात है तो दया याचिका से निपटने में कोई देरी नहीं हुई और दोनों जगहों से इसे तेजी से निपटाया गया। कोर्ट ने कहा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दया याचिका को भेजने में हुई 4 साल की देरी सहित उनकी अर्जी पर निर्णय करने में लगभग 5 साल की देरी हुई। इस तरह उसको 14 सालों तक जेल में रखा गया। हमारा मानना है कि दोषी द्वारा किए गए जघन्य अपराध के बावजूद इस मामले में मौत की सजा नहीं दी जा सकती। इस तरह उसकी मौत की सजा उम्र कैद में बदली जाती है। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज इन्वेस्टर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे न्यूज के अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।